चले। फारिस, क्या बात है फारिस, आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे? काम भी बड़ा इंटरेस्टिंग, जल्दी भाग भाग के, भाग भाग के। और ये हेलो, ओ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारा ही वेट हो रहा था। बहुत मुबारक हो। हेलो, ठीक है? सोया आंटी को पेंटिंग दिखाइए। खास तौर से तुम्हारे लिए बनाई है, कह रही थी एग्जीबिशन में लगाऊंगी। ये तो मेरी पेंटिंग से भी ज्यादा अच्छी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। She's natural. माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है। माशाल्लाह। अच्छा मिसेस हमीदी, प्लीज मेरी बेटियों के साथ मेरी एक पिक्चर बना दे। ऑफ कोर्स। थैंक यू। आज 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 मम्मी के साथ पिक्चर। चीज। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। मैं कल के लिए जा रहा हूँ। फारिस, इस घर में क्या हो रहा है, कुछ अंदाजा है आपको? फारिस, बड़ी अम्मी के इंतकाल के बाद तो जैसे आपका इस घर से ताल्लुक ही खत्म हो गया। बड़े अबू की हालत देखें, उन्हें 24 घंटे किसी अटेंडेंट की जरूरत है। मैं थक चुकी हूँ फारिस, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम अटेंडेंट की तनख्वाह दे सके। पैसों का इंतजाम हो जाएगा। पैसों का? कब से सुनती आ रही हूँ मैं ये, एक दो महीने पैसे आते उसके बाद पूरा साल इसी तरह गुजारना पड़ता है। नहीं रह सकती ऐसे। आप मुझे बताएं कब तक चलेगा ऐसा फारिस, मैं नहीं जी सकती ऐसे। मैंने कहा ना, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। पैसों का? बात सिर्फ पैसों की नहीं है, मुझे मेरा शौहर चाहिए, मुझे मेरे शौहर की जरूरत है। आप कभी यहां होते हैं, कभी नहीं होते। जाने से पहले सब इंतजाम हो जाएगा इंशाल्लाह। फारिस, मुझे छोड़ मत जाए। फारिस, इस घर में अकेले मैं पागल हो जाऊंगी। फारिस प्लीज, मुझे छोड़ मत जाए। तुम मुझे अल्लाह के काम से रोक रही हो। मैंने हजार बार समझाया है कि मैं हर बार सिर्फ अपने अल्लाह को ही चुनूंगा। फारिस, मुझे छोड़ के मत जाए। फारिस, Thank you.
आपका बेटा घर आ गया है, आपको उसकी कोई फिक्र भी है? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जंग से वापिस आया है। मुझे उस पर फखर होना चाहिए। फखर नहीं, मैं फिक्र की बात कर रही हूं। अपने शरार की आदतों की वजह से वो 3 सालों में 3 दफा रिहैब पे जाना पड़ा है। बार बार अपनी जान को खतरे में डालता है, गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है, उल्टे सीधे लोगों से झगड़ा करता है। अब वो बिल्कुल ठीक होकर आया है, उसे दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब तक उसकी ऐबों पर पर्दा डालोगे? वो कभी ठीक नहीं हो सकता, बल्कि मजीद बिगड़ जाएगा। उसकी आदतें खराब हो जाएंगी। सिर्फ सवेरा ही उसे ठीक कर सकती थी। उसके जाने के बाद तो न जाने उसे क्या हो गया। 3 साल गुजर चुके हैं, अब भी आप सवेरा को याद करते? तुम्हें एहसास हो गया कि 3 साल गुजर गए? बहुत उम्मीद लगा के बैठी थी ना कि वो किरण से शादी कर लेगा। आज किरण भी शादीशुदा है। उसने खुद तलाल से शादी करने से मना किया था इन्हीं बुरी आदतों की वजह से। उसका दिमाग खराब है। आज तलाल के सारे दोस्त अपने करियर में एक्सेल कर रहे, और तलाल तो ऑफिस जाने के काबिल भी नहीं है, क्योंकि तुमने उसे किसी लायक छोड़ा ही नहीं है।
काश तुमने उसे समझाया होता कि एक माँ का किरदार क्या है, उसे बैठ के समझाया होता, बताया होता कि जो कुछ वो कर रहा है गलत है, उसे एक बाप का किरदार समझाया होता, एक शौहर का किरदार समझाया होता। मैं आपको आज तक समझा नहीं सकी। और मैं आज तक अपनी गलती की सजा भुगत रहा हूं। बाकी की जिंदगी तुम्हारा बेटा भुगतेगा, और जिस दिन उसे यह एहसास हो गया कि उसने अपनी जिंदगी जाया कर दी है और तुमने उसे करने दी, उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी सबिया बेगम, बहुत देर। उस वक्त वो तुमसे प्यार नहीं, सिर्फ नफरत करेगा, सिर्फ नफरत। दलाल बेटा यहाँ क्यों बैठे हो इस तरह? बस ऐसे। कुछ खाया सुबह से तुमने? नहीं। कुछ बनवा दूं तुम्हारे लिए? सूप बनवा दूं? No thanks। तुम्हें किस बात की फिक्र है बेटा? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्यों फिक्र करते हो? सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी बेटा। के दरमियान हूं जिनसे मेरा खून का कोई रिश्ता नहीं, लेकिन फिर भी अपनों से ज्यादा अपने हैं। आज मैं मुतमईन हूं, मैं खुश हूं, मैं आजाद हूं।